टू द न्यू वीडियो। और फाइनली फाइनली भाई 500 साल के बाद फाइनली वो दिन आ चुका है जब श्री राम वापस आ रहे हैं अयोध्या। फाइनली राम मंदिर बन के तैयार हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा का टाइम हो गया है 12:01, मैं चेक कर लेता हूँ, 12:18 हुए हैं और बस अभी थोड़ा 8 मिनट बाकी है, तो फटाफट से आपको दिखाते हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बोलो जय श्री राम कमेंट्स में लिख देना। यहाँ पे वेट करते हुए हनुमान मंदिर के पास ही प्रोजेक्टर लगाया हुआ है, देख सकते हो आप। सब लोग बहुत ही आतुरता से देख रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी प्राण प्रतिष्ठा हो जाए। हमारे पीएम मोदी सर बैठे ही हुए हैं। लोग वापस घर पे आ गए क्योंकि कुछ प्रॉपर दिख नहीं रहा था प्रोजेक्टर में, तो बिल्डिंग में ट्राई करते हैं। बिल्डिंग में भी प्रोजेक्टर लगाया तो वहाँ पे देखते हैं कि कैसा है, दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो फिर घर पे चले जाएंगे, ठीक है, देखते हैं। अलग सी वहाँ पे भी इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, फटाफट से भाग रहा हूँ मैं, 2 मिनट ही बची है और मैं भाई इधर से उधर भागे जा रहा हूँ क्योंकि ठीक से नहीं दिख रहा है यार, क्या करूँ। लोग बहुत इकट्ठा हुए बट सुबह का टाइम है तो दिखेगा नहीं ठीक से, तो मेरे को तो ठीक से देखना है यार। लिफ्ट नहीं चल रही यार, क्या हो रहा है भाई, फटाफट आ जा। बड़ी बात बोलने वाला हूँ, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। भाई दिवाली आ चुकी है, फाइनली असली वाली दिवाली आई है। अब 22 जनवरी को दिवाली मनाई जाएगी। मतलब कैसे डिस्क्राइब करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, बट मैं बहुत कुछ बोलने वाला था जब प्राण प्रतिष्ठा होती, तब बहुत कुछ बोलने वाला था, बट मैं लिटरली जैसे ही रामलला का फेस दिखाया गया, जैसे ही उनकी मूर्ति का फेस दिखाया गया, मैं फ्रीज हो गया लिटरली। आप देख सकते हो मेरा कैमरा शेक कर रहा था, मुझे गूस बम्स आ रहे थे, मेरा मतलब वाइब्रेट कर रहा था पूरा बॉडी। इतना ज़बरदस्त मोमेंट था मेरे लिए ये लाइफ में, आई कांट इवन डिस्क्राइब टू यू। जैसे ही फेस सामने आया मैं लिटरली फ्रीज हो गया था, मेरा हाथ भी हिल नहीं रहा था और मतलब समझ नहीं आ रहा कैसे बोलूं। इट वॉज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मोमेंट। क्या मूर्ति बनाई है यार, क्या मोमेंट था वो, और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। मेरी इधर ये हालत थी घर में बैठ के 3 लोगों के साथ, तो अयोध्या में जो सब लोग साथ में हैं वहाँ पे क्या चल रहा होगा, मतलब कैसा माहौल होगा वहाँ पे। भी बहुत कुछ कार्यक्रम है, वो शांति से देखेंगे, वो सब दिखाने की कोशिश नहीं करूँगा बट शांति से देखेंगे। फिर शाम को मिलते हैं, रैली होने वाली है सूरत में, चाहिएगा नहीं, बहुत ही जबरदस्त रैली होने वाली है। तो भाई लोग शाम का टाइम हो चुका है, भाई बहुत इतनी सुकून की नींद मिली है मुझे दोपहर को, सब शो खत्म हो गया उसके बाद मैं सो गया था, पर इतनी सुकून की पता नहीं कैसे बट बहुत सुकून की नींद मिली, आई डोंट नो व्हाई। बट अभी जा रहे हैं एक रैली में जो हमारे गार्डन ग्रुप की ही रैली है। 20 फीट की प्रतिमा लाने वाले हैं राम जी की और वो प्राइम मार्केट पे स्थापित करने वाले, तो एंड तक रहे भाई, मिस नहीं करना है आपको, पूरा देखना भाई क्या शो होने वाला है। प्रोग्राम देखो भाई,
जो मज़ा आया है ओ माय गॉड, ये वाली मतलब मेरी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट नाइट्स थी। जो फन हुआ है यार, बाप रे, ये मतलब कैमरे पे आप नहीं देख सकते। ये वाली वाइब्स जो है ना, वो कैमरे पे नहीं दिख सकती, आपको रियल में ही देखनी पड़ेगी। मतलब कोई वर्ड्स नहीं है। जो वाइब्स आ रही थी ना वहाँ पे, जब आरती चल रही थी, जब सॉन्ग बज रहे थे, मेरा भारत का बच्चा जय श्री राम बोलेगा, आय हाय, जो वाइब्स थी वो। यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं, और राम जी तो आ गए, अभी सुकून से सब सो पाएंगे। अयोध्या वाले तो पक्का है जो सुकून से सोएंगे। और अभी अगर आपको वीडियो पसंद आया, यहाँ एंड तक बने हो, अगर देख रहे हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और शेयर भी कर देना। इस बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट नाइट्स इन द वर्ल्ड, ओके, मैं तो बोल रहा हूँ इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये वाइब्स कहीं दुनिया में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो सिया गाइस, अगर पसंद आया तो कमेंट्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिए, ठीक है।